छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग को लेकर बड़हलगंज के सिधुआपार स्थित शांति सशक्तिकरण महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मंगलवार को मंडलायुक्त कार्यालय के समक्ष पहुंचकर उन्हें ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन देने आए छात्रों का कहना था कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति न दिए जाने के कारण कॉलेज प्रशासन द्वारा हम लोगों को प्रायोगिक परीक्षा से रोका जा रहा है, जिसकी वजह से करीब 52 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में फंस जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कॉलेज की छात्रा शानू ने कहा, शानू हम लोग स्कॉलरशिप की मांग के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं और जो है हम लोग बीएड का फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप रुक गया है, जिसकी वजह से हम लोग की आगे की पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम लोग की स्कॉलरशिप जल्द से जल्द आ जाए, ताकि हम लोग का ये प्रैक्टिकल जल्द से जल्द हो जाए। इसी वजह से हम लोग का प्रैक्टिकल रुका हुआ है। शांति सशक्तिकरण महाविद्यालय सिधुआपार बड़गंज शांति सशक्तिकरण महाविद्यालय सिधुआपार बड़गंज गोरखपुर आरक्षण का एक नियम होता है, आरक्षण उन्हें मिलता है जो हाँ हम लोग एससी के सारे लोग हैं। और हम लोग का ये स्कॉलरशिप हम लोग का बहुत बार यहाँ पे समाज कल्याण पे भी आए बात की, यहाँ पे ये जवाब मिला कि स्कॉलरशिप आप लोग का आ जाएगा, जल्द से जल्द आएगा, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। समाज कल्याण अधिकारी से बात हुआ? जी बात हाँ दो बार बात हुई। वो लोग कहें कि हम लोग अपनी प्रक्रिया कर दिए हैं और अब लोग का स्कॉलरशिप आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हम लोग यहाँ पे कई बार चक्कर लगा चुके हैं और अभी तक यस 52 लोगों 52 लोगों की संख्या है एससी वालों की, जिनकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है।